तो आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मूवी विल्ला अनंत। तो मैं बात करने वाला हूँ जिस टॉपिक पे है वो आरआरआर से। आप लोगों को पता होगा कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें जर्सी की जो रिलीज डेट है थिएटर रिलीज डेट उसे पोस्टपोन कर दिया गया। आप लोगों को सभी पता है जो ओमिक्रॉन वायरस है कितना खतरनाक है, उसके बाद में जो इसके थ्रेड है वो सभी आप लोगों को पता है। तो इससे जो इसके बयान आई थी कि इसके वजह से जर्सी मूवी की जो रिलीज डेट है उसे पोस्टपोन कर दिया है, उसके बाद में सभी अड़चने लगा रहे थे कि आर 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 जो मूवी है इतनी बड़ी मूवी है, इतनी ज़्यादा हाइप है उसकी, वो फिल्म रिलीज़ होगी कि नहीं होगी, शायद पोस्टपोन हो जाएगी ऐसे ऐसी। पर फाइनली उस मूवी के डायरेक्टर यानी एस एस राजामौली ने एक इवेंट में फाइनली उन्होंने कह दिया कि हमारी जो मूवी है ऑन द स्पॉट जो उनकी मूवी की थिएटर रिलीज़ है उसी दिन रिलीज होने वाली है, वो अपनी रिलीज डेट पे कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ या कहीं भी कुछ नहीं कर रहे हैं जब तक कि ऐसी कोई न्यूज़ ना आ जाए कि इंडिया में सारे सिनेमाज ये बंद हो जाते हैं। ऐसे अगर कुछ न्यूज़ आती है तब तो बात अलग है, मगर फाइनली अभी तक उन्होंने यही कहा जो हमारी मूवी है उसकी जो रिलीज डेट है वो उसी दिन रिलीज होने वाली है। पता ही होगा यूएसए में 2 मिलियन से प्लस ज़्यादा एडवांस बुकिंग उनकी हो चुकी है और ड्राइवर्स होते हैं वो सभी आउटलेट बाहर निकल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं फिल्म इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रही है। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं राधे श्याम जो मूवी आप लोग बताओगे प्रभास की अपकमिंग मच अवेटेड पैन इंडिया फिल्म, उन लोगों को पता ही है कि जो मूवी है उसकी भी पोस्टपोन, उनसे भी स्पीच और फिल्म मेकर्स ने साफ साफ कहा कि हमारी जो रिलीज डेट है उसे कभी भी हम लोग पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो फिल्म की डेट है उसी दिन हम लोग रिलीज़ करेंगे। तो आप लोगों को ये न्यूज़ कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा और कई कंटेंट के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय दोस्तों।